चार हो गए इलिमिनेट, और आगे मजीद एक और होगा, ये होगी इलिमिनेट। वो कंटेस्टेंट कौन होगा वो तो इस राउंड के बाद ही हमें पता चलेगा। बैंक की पोजीशन आपकी 39,500 रुपीज। क्या आप तैयार हैं राउंड 5 खेलने के लिए? यस। टाइम है 2 मिनट 20 सेकंड का, जबकि टॉप प्राइस है 10 लाख रुपए का इनाम। मनी ट्रेल गौर से सुने ताकि आपको पता हो कि हर सवाल की कीमत क्या है। पहला सवाल 2,500 के लिए, दूसरा 5,000, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा सवाल 50,000 रुपए के लिए, छठा 2.5 लाख, सातवां सवाल 5 लाख के लिए, और आठवां 10 लाख के लिए। आपके और 10 लाख के दरमियान सिर्फ 8 सही जवाब हैं और 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त है। आर यू रेडी टू प्ले राउंड 5? बेरोज हम आपसे शुरू करेंगे ये राउंड। आपके 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त शुरू होता है। आप सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट मार्स है, वहां मून की तादाद कितनी है? 2। करेक्ट। बिच्छू किसी को दिख जाए तो वैसी ही सांस रुक जाती है, बताएं बिच्छू कितने दिनों तक अपनी सांस रोक सकता है? 6 दिन तक। करेक्ट। फ्रेंड, दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत बंदरगाह कहाँ वाके है? ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में। मुनीबा, हमारा दिमाग कितने वाट की बिजली के बल्ब के बराबर ताकत इस्तेमाल करता है? 10 वाट्स की। करेक्ट। सबा, राइनोसरस का सींग किस चीज से बना होता है? पास। बालो, यूशा, नोबेल प्राइज के साथ मिलने वाली इनाम की रकम तकरीबन कितने पाकिस्तानी रुपीस के बराबर होती है? 10 करोड़। करेक्ट। तस्वीर आपके सामने, पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड अदाकार, पंजाब से इनका ताल्लुक है, थिएटर भी कर चुके हैं, इनका नाम क्या है? सुहेल अहमद। करेक्ट। ज़ेरा, as at an average एक इंसान एक घंटे में कितनी बार सांस लेता है? 1200। करेक्ट। अरमान बैंड, अरमान वो कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले जमीन पर आने वाले जलजलों की साइंटिफिक रीजंस बताई? आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि लेबान ज़ीना शायद। इब्न, गलत जवाब, इब्न सीना। मुनीबा, पाकिस्तान का पहला सिक्का कौन से ईयर में इशू हुआ था? पास। 1948। वो कौन सा जानवर है जो कोई आवाज नहीं निकाल सकता? जराफा। करेक्ट, जिराफ। यूशा, बैंक, शहद की मक्खियों की कितनी आंखें होती हैं? 4। गलत जवाब, 5। बहरोज, वो कौन सा फल है जिसमें 25% ऑक्सीजन होती है? एप्पल। करेक्ट। एक इंसान औसतन एक दिन में कितनी बार पलके झपकता है? 28,800 times a day. अरमान, विकिपीडिया पर बहुत ज्यादा मालूमात मौजूद है, वो कौन सी चीज है जो इससे भी 5 गुना ज्यादा मालूमात स्टोर करती है? I think, मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन। इंसानी दिमाग। मुनीबा, इंसानी दिमाग में औसतन रोजाना कितने ख्यालात आते हैं? 5। तकरीबन 70,000। सबा, बारिश के पानी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B6। गलत जवाब, विटामिन B12। भी आपका वक्त होता है खत्म, यानी 2 मिनट 20 सेकंड का। सबा, yes. वक्त है वोट आउट करने का, आपका एलिमिनेशन का वक्त शुरू होता है। आप नाम मुझ तक पहुंचाएं या फिर मुझे बताएं किसको करेंगी वोट आउट। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही, बैंक की आवाज भी काफी दफा सुनाई दी गई, जिसकी वजह से चेन लंबी ना हो सकी। अब देखना यह है कौन है वो कंटेस्टेंट जो होगा एलिमिनेट इस राउंड से। सबा, मेरा वोट है कि अरमान इस गेम से अब आउट हो। क्यों? क्योंकि ये आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है कंफ्यूज है, सही से जवाब नहीं दे पा रहा है। अरमान, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है मैम कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, या तो बार बार मेरा नाम मेंशन। आपका वोट किसके खिलाफ है? मेरा है। मुनीबा, रीजन? जैसे कि मुझे सवाल समझ नहीं आ रहा था, तो वो बराबर में जब इनका चांस है, इन्होंने भी वही पास कर दिया, तो इस वजह से फिर वो चेन आगे जाकर खराब। कोई बात नहीं, अगर नॉलेज कम है तो। ज़हरा, यस मैम। अरमान, अरमान 2 वोट, अरमान के खिलाफ। ज़हरा, समझते अरमान 3 वोट्स। अरमान, पिछले राउंड में मैम, अगर मैंने इनका नाम मेंशन किया तो इन्होंने इस राउंड में मेरा नाम मेंशन किया। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप, आपको जब सवाल का जवाब देते हैं, पास बोल दें, आप गलत जवाब दे रहे हैं और आगे से सबको कंफ्यूज कर रहे हैं, खुद भी कंफ्यूज हैं। जस्ट अपनी अपनी राय थी मैम, उन्होंने दे दी। मुनीबा, आपने किसको वोट किया? अरमान को।
आई थिंक मैम ऐसा लगता है, मुझे लग रहा है एंड में ना ये लेडीज ही रहने वाली, जेंट्स सब जाने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है होते चले जा रहे हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है, ये सिर्फ हर किसी का जो जैसे गेम खेल रहा है उसी को वोट कर रहे हैं। एक सेकंड नहीं होता, मतलब टारगेट एक होकर आप लोग इस तरह कर रहे हैं। एक सेकंड यूशा की भी सुन ले। जी यूशा, We are boys, not girls. यार मतलब ये 2-3 girls रह जाएंगे, तुम दोनों भी निकलने वाले हो, टेंशन नहीं। अब नेक्स्ट तुम ही हो। जो खेलता रहेगा अच्छा वो रहेगा। ऑल राइट जनाब, बहुत सारी बहस, बहुत सारी दलील पेश किए गए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया क्योंकि अरमान मेजॉरिटी वोट्स आपके खिलाफ हैं, और जब मेजॉरिटी वोट्स कंटेस्टेंट के खिलाफ होते हैं तो उसको जाना पड़ता है गेम से। और आपका भी वक्त आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ। आखिरी खिलाड़ी कौन? बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैशन मॉडल अरमान। असल में गेम बहुत अच्छा चल रहा था और स्टेप बाय स्टेप हम लोग खेल ही रहे थे बस, बट ये कि आपस में जब एक हो जाते हैं और फिर वो दूसरा टारगेट बनाकर इन लोगों ने इतना घटियापन दिखाया कि ये समझे मतलब मेरे को गेम से निकाल कर और ये खुद विन कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। जीतेगा वही जो मतलब अच्छी परफॉर्म करेगा, बट मुझे निकालने से ये कुछ नहीं है कि मैं इस गेम से निकल गया तो मैं आगे वर्क ही नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट घटिया लोगों की पहचान हो जाती है आपको ना, कि इस तरह गेम खेल कर और इस तरह चीट कर करके मुझे निकाल कर अगर उनको ऐसा लगा कि गेम शो सारा जीत कर ही आगे चले जाएंगे तो, बट ऐसा नहीं होता। टैलेंट आगे जाता है, परफॉर्म आगे जाता है और एक्सप्रेशन जाते हैं, जो मैंने अपना पूरी कोशिश करी कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं, बट आई एम सॉरी पर कहीं ना कहीं ये लोग एक होकर और मुझे इस गेम से निकाल दिया इन लोगों ने। ज़ारा का नाम याद है और एक और थी गर्ल्स बीच में, वो थी यूशा नाम का था, तो उन लोगों ने 3-4 ने मिलकर मुझे टारगेट किया, फिर वो सब लोग ही एक नाम से मुझे बोलने लगे कि अरमान को निकाल दो, अरमान को निकाल दो। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मेरा 1 नंबर पर काउंटर पर खड़ा होना मेरे लिए अजाब बन गया कि मेरा ही नाम टारगेट लिए जा रहे। 2-3 राउंड में इन्होंने मेरे साथ ऐसी किया, जस्ट एंड में वो लोग फाइनली हो गए कामयाब। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि मैं बहुत बैड परफॉर्म देकर आया हूँ, बट मेरी तरफ से बेस्ट परफॉर्म थी। आगे इंशाल्लाह आप लोग ही देखेंगे और बताएंगे। एक मिनट में आखिरी खिलाड़ी कौन? That's the guess. किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।